फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम, मतलब ये पता नहीं सही मार्क्ड है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा हम जब सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जा रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम और रेडियस आर है। द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4 बाय आर स्क्वायर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 बाय आर स्क्वायर। इसको कट करोगे आर और आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर तो एक आर बचेगा। सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय आर। तुमको मोमेंटम बताना, मोमेंटम एम वी होता है। तुम क्या करो, ऊपर नीचे मास से एक मल्टीप्लाई कर लो, एक और मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 बाय आर हो गया। एम को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m बाय आर हो गया। एम वी क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m बाय आर, तो पी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4m बाय आर हो जाएगा। 4 को रूट से बाहर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स रूट अंडर m बाय आर हो जाएगा। तो ये कहां से हो जाएगा, यहाँ पे एम पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एम पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट अंडर m बाय। यहाँ पे गलत दिया हुआ। ठीक है बच्चों, सर जी, सर वो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था सर, उसका सही आंसर क्या था? क्या बोल रहे हो, ठीक से पहले बोलो, समझ में नहीं आया। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा था ना, मैंने देखा नहीं है। अच्छा। कल देख के बताऊंगा सर। ओके सर। अभी ओपन कर लेते हैं, तुम्हारा क्या था? कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 4k, वेक्टर b इज इक्वल टू 5i, रिप्रेजेंट द टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। मतलब देखो ये एक ट्राइंगल है, दो साइड्स इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया। सेम ऑर्डर का मतलब ये इधर से इधर जा रहे हैं तो इसी ऑर्डर में साथ में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी। Then the third side of the triangle has length equal to, इस third side का length निकालना है, तो ये जो vector होगा उस पहले vector का value निकाल लेंगे, वो क्या होगा, vector a plus vector b हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये vector c is equal to vector a plus vector b, vector yes, a sir. क्या लिखा है, i plus 2j plus 4k plus 5i, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6i plus 2j प्लस 4k हो गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है, मतलब वेक्टर c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 36 प्लस, अच्छा c का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, तो रूट अंडर 36 प्लस 4 प्लस 16
ये क्या हमारे मटेरियल का है क्या? यस सर, वो नीट वाला पैकेज जो है ना, कुछ कुछ आंसर गलत है। ओके सर, पुराने समय में तो देखे थे कुछ कुछ आंसर गलत मिल रहे थे। ओके सर, तुमको जिसमें भी डाउट हो मेरे से पूछ लिया करो, क्योंकि उसमें है कुछ आंसर्स गलत। ठीक है, ओके सर। क्या लिख लिया? यस सर। ये सबने लिख लिया था? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अटेम्प्ट करो इसको। ना डिफिकल्ट तो था नहीं ये। पार्टिकल इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। उसके अलावा हम लोग को पता है कि वी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज आल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तुम क्या करो, बी को तुम अगर लिखते हो ओमेगा आर, ओमेगा आर इंटू ओमेगा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो वी ओमेगा को हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन थ्री है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वी क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर लिया वी को ओमेगा आर से, तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। तो वी ओमेगा ही हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वाला ये भी मेंशन किया हुआ है, पहले देख लेते हैं इसको। अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स अबाउट द सेंटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Which of the statement about the velocity of the car is true? Velocity के बारे में पूछ रहा है। Equal angles about the center in equal interval of time, मतलब angular velocity constant है। ठीक है, equal angle, equal interval of time, मतलब constant angular velocity से। Velocity is constant, गलत। Velocity तो constant नहीं है ना, move कर रहा है।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. ये सही है सर्कुलर मोशन में अगर मूव करेगा तो. बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज. गलत, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है. तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा. वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. नहीं, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है सर्कल के. वेलोसिटी तो इसके अलोंग होगा ना, एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ये भी गलत, ये भी गलत. बच गया ये करेक्ट. ठीक है, ठीक है बच्चों. यस सर. ये ट्राई करो. देखो क्वेश्चन कह रहा है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो सर्कुलर ग्रूव है एक, तो एक सर्कुलर ग्रूव है, इसमें इंसेक्ट ट्रैप्ड है. ठीक है, इसके अंदर इंसेक्ट है. नाउ रेडियस जो इस सर्कुलर ग्रुप का है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. जीरो तो सेंटीमीटर में ही आंसर पूछा हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर ही रहने देंगे. मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टेडिली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स. सो जो ओमेगा है, दिस इज इक्वल टू, सो एक रेवोल्यूशन में अगर हम वी करते हैं, सो 7 इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड्स. सो 7 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन. सो v इज इक्वल टू 7 इंटू 2 पाई आर बाय 100 कर लो. इसको कैलकुलेट करोगे, 7 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7, क्योंकि देखो यहाँ 7 था ना, तो 22 बाय 7 लेना ज्यादा आसान होगा. 12 सेंटीमीटर बाय 100, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 44 इंटू 12 बाय 100. तो 528 बाय 100 है, 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Yes, sir. Next वाला करो. A particle moves in a circle of radius 25 centimeter square at 2 revolutions per second. ठीक है, R दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सो जो
वी है 2 × 2πr मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो वी इज इक्वल टू 4πr मीटर पर सेकेंड. 4π × 0.25 कर देंगे तो पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है. सो दिस इज पाई स्क्वायर बाय 0.25. सो दिस इज इक्वल टू 4π. क्लियर सबने? लिखो जल्दी. सर लिख लिया. सिक्स्थ वाला कह रहा है पार्टिकल moves in a circle describing equal angle in equal times, ठीक है. तो circle में move कर रहा है, moves in a circle describing equal angles in equal times. Its velocity vector, तो velocity vector तो देखो equal angles in equal time मतलब angular velocity इसका constant है, but magnitude में constant है. तो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं होगा. वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ये भी गलत है क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा. चेंज इन डायरेक्शन तो ये सही है. तो सिक्स्थ का थर्ड वाला है. सेवेंथ वाला कीजिए. लो स्क्रीन देख पा रहे हो ना? यस सर. क्वेश्चन अभी दिख रहा है आप लोग को? क्या सर? क्वेश्चन दिख रहा है ना अभी आप लोग को? हाँ हाँ हाँ.
हुआ नहीं आप लोगों का? मास ऑफ 2 kg इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 revolutions per minute. आरपीएम का मतलब revolutions per minute. तो v इज इक्वल टू 5 rpm. ठीक है. सो अब कह रहा है और मास इसका दे रखा है 2 kg. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new speed is nearly. So, tension double कर दिया. मतलब पहले मान लो tension T था. तो T किसके बराबर रहा होगा? mv square by r के बराबर रहा होगा. अब कह रहे हैं हम tension 2T कर दे रहे हैं. Right? अब नया speed हम लोगों को निकालना है. mv dash square upon r radius कह रहा है same रखना है. ठीक है, कीपिंग द रेडियस कॉन्स्टेंट. तो टेंशन टी के जगह अब हम लोग वैल्यू क्या करेंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर करेंगे इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर बाय आर. आर आर कट गया, एम एम कट गया. तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2v square. सो वी डैश इज इक्वल टू रूट 2 into v. वी का वैल्यू 5 है. 5 into 1.414. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 rpm. तो सेवेंथ वाले का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा समझ? आ रहा समझ बच्चों? यस सर. दिखा आप लोगों ने? यस सर. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. देखो क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ द एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हो गया, लीनियर वेलोसिटी ये हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? सो एंगुलर वेलोसिटी और ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये तुम्हारा ये जो एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रू है. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है. वी और सेंट्रिपिटल, देखो वी जो है इसके वी ऐसे टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रेडियल है, ये भी परपेंडिकुलर होगा. ओमेगा और एसी, ओमेगा बेसिकली यू नो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, मतलब जैसे प्लेन है इसके बाहर के तरफ आ रहा होगा. अगर इस तरह से सर्कुलर ऐसे कंसीडर करोगे तो ओमेगा ऐसे है ना, ये ऐसे हो. तो ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये भी आपस में परपेंडिकुलर होगा. तो ए सी डी ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है.
क्लियर है? नहीं तो ले कीजिए। सर सेकंड ऑप्शन। नाइन्थ का सेकंड ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। इट फॉलोज दैट इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नहीं होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, काइनेटिक, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता रहेगा हमेशा। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं हम लोग मानेंगे। इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन टू करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा, है ना? तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। 10th वाला कीजिए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हम लोग निकालेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू 2 स्क्वायर 24 रेडियंस पर सेकेंड। लिख लिया आपने? यस सर। इसको कीजिए। कैन आई स्फीयर ऑफ मास एम इज टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड रोटेटेड along through the other end along the horizontal circular path with velocity v. The work done in full horizontal circle, work done mein force into displacement, ek circle ke baad pure circular motion ke baad displacement kitna hoga? Zero hoga. So work done is equal to f into s.
सो एफ इंटू जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो, क्लियर है? यस सर। सो सर मेरा एक डाउट है, लाइक अगर हमें गिवन होता कि ये एंगल थीटा में भी मूव कर रहा है तो? एंगल थीटा में मूव कर रहा है तब जीरो नहीं है। तो सर फिर तब क्या होता है, लाइक वैसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं होगा, नीट में नहीं आएगा। ओके सर। तुम्हारा अगर दिया हुआ है कि थीटा एंगल से गया तो तुम ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है? तो ये जो अगर यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये थीटा बाई टू है, तो ये जो चीज है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टू आर साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना? तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जो है यहाँ पे हर मोमेंट पे चेंज कर रहा होगा फोर्स, तो अगर कांस्टेंट फोर्स से बोला है तो इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल। ओके सर। ट्वेल्थ वाला सर इसका आंसर भी जीरो है क्या? इसका भी आंसर जीरो। बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंपल सा चीज है, एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना, ठीक है? देखो पार्टिकल ऑफ मास है रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी। व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, यहाँ पे था, यहाँ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एम मास है इसका, अदर एंड पे जब पहुंच गया यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा वी और मास एम होगा, तो जो आपको निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय मास, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं करेगा, वी स्पीड सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा, ये भी गलत है। नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, वी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में तो चेंज होगा, ये भी गलत है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मान लो फाइनल मोमेंटम को तुम इधर पॉजिटिव लेते हो एम वी माइनस ऑफ, इसको नेगेटिव लोगे माइनस एम वी, तो टोटल क्या हो गया टू एम वी हो गया। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम होगा, दैट विल बी इक्वल टू टू एम, ठीक है? यस सर। A stone is tied to one end of the string 50 centimeter long. ये 50 centimeter हो गया तो मतलब 0.5 meter हो गया। खैर centimeters में ही answer है तो इसको रहने दो इसी में। And is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 10 revolutions in 20 seconds,
what is the magnitude of acceleration of the stone? So acceleration is equal to m omega square या m v square upon r. v का value v is equal to 2 pi into r, अगर हम लोग करते हैं 0.5, so 2 pi into r 10 revolutions into 10 divided by 20 seconds. So ये हो जाएगा हमारा 5 into 2, 10 pi by 20, तो pi by 2 meter per second हो गया. V square by R करेंगे तो pi by 2 का whole square upon 0.50. इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.50, ये निकाल लेते हैं कितना आ रहा है. So 3.14 whole square divided by 2, 4.92 meter per second square. Centimeter में convert करें 492 centimeter per second square. ठीक है. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया ना सबने? यस सर. ऑप्शन 15 का. हाँ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. कह रहा है फॉर अ पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन है बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा. सो वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स ओनली. वेलोसिटी तो रेडियल होगा नहीं, तो ये तो गलत ही है. वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली. ये भी जरूरी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट. ये गलत है, ये सही है. वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स. देखो, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन का दोनों कंपोनेंट होगा, एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हम पढ़ाए थे तुम लोग पूछ दे, याद है ना, जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे, फिर याद है बच्चों, जो टोटल एक्सेलरेशन आता था वो एसी और एटी, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस वॉज द टोटल एक्सेलरेशन. याद आया? यस सर. नेक्स्ट वाला कीज.
नहीं आया? सर 10.47. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, सो रोटेशंस पर मिनट इज इक्वल टू 100. सो मतलब एक रोटेशन में 2 पाई एंगल मूव करता है, तो 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय 60. ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड, 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. सो 100 आरपीएम इसका जो स्पीड है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 100 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियंस पर सेकेंड. सो दिस इज इक्वल टू 20 पाई बाय 6. सो 20 इंटू 3.14 बाय 6 रेडियंस पर सेकेंड. So we'll have, so 10.466. So 10.47 radians per second हो जा रहा है. ठीक है बच्चों, yes sir. लिख लिया ना सबने? यस सर. ये वाला कीजिए. सर आंसर 1 है क्या? नहीं. सर 1 मतलब स्मॉल आर बाय बिग आर. अच्छा ये बोलो ना, थर्ड ऑप्शन बोलो ना भाई. थर्ड ऑप्शन है? नहीं नहीं सर, फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट नहीं, थर्ड ऑप्शन है. अच्छा ओ चलो देखते हैं. Two particles having mass capital M and small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then the ratio of angular velocities. तो time period क्या हो जाएगा? मान लो 2 pi, तो पहले वाले का angular velocity omega 1, 2 pi r upon t, और दूसरा है omega 2 is equal to, the time periods are same, so
this is, sorry, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया 2π into small r upon t. तो ω1 is equal to 2π/T है और यहाँ ω2 भी 2π/T है, तो ω1 is 2, ω2 1:1 ही हो. ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक टाइम पीरियड में एक पूरा चक्कर काटेगा, 2π एंगल मूव करेगा, तो 2π एंगल बाय टाइम पीरियड t, ठीक है. ओमेगा 2 जो 2π/T है, t दोनों का सेम है, तो ω1/ω2 1:1 हो जाएगा. इससे भी निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू v/r होता है, तो ये r को इधर ले जाओगे तो v1/R is 2π/T और v2/r is 2π/T. ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो निकालोगे, यहाँ पे भी 1:1. क्लियर है? यस सर. लिख लिया ना सबने? यस सर. ये वाला करो. सर फोर्थ ऑप्शन. हाँ फोर्थ है, करेक्ट है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, सो देखो मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर काटने में क्लॉक के कितना टाइम लगेगा? एक मिनट, मतलब बेसिकली पूरा एक चक्कर काटने में 60 मिनट्स लगाता है, राइट. तो 2π एंगल कितने मिनट्स में जाता है? 60 मिनट्स में जाता है. तुमको रेडियन पर सेकंड में निकालना है, तो ये ओमेगा हो गया बेसिकली. तो 2π बाय, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 × 60 हो गया. सो मतलब पाई बाय 1800 रेडियंस पर सेकंड. बोथ ऑप्शन क्लियर है बच्चों?